मैं अच्छा बाप नहीं हूँ। जब बुलाने पर भी करीब नहीं आए नन्हे अब्राम, शाहरुख खान को हुआ था ये एहसास, खुद किया था बयान। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान इस वक्त ड्रग केस के एक मामले में एनसीबी की कस्टडी में है और इस ड्रग केस में फंसे आर्यन खान से एनसीबी अधिकारियों ने कई सवाल पूछे, जिसके चलते आर्यन खान ने अपने पिता को लेकर एक बड़ा खुलासा भी किया था। आर्यन खान ने बताया था कि मेरे डैड से मिलने के लिए हमें अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है क्योंकि वो काफ़ी बिजी रहते हैं, पर आज हम शाहरुख खान से जुड़े एक ऐसा वाक्य बताने जा रहे हैं जिसमें शाहरुख खान ने खुद खुलासा किया था कि उन्होंने एक अच्छा बाप न होने का एहसास किया था। सुपरस्टार शाहरुख खान अपने बच्चे आर्यन खान, अब्राम खान और सुहाना को लेकर कई किस्से साझा करते नजर आए हैं। एक बार शाहरुख खान ने छोटे बेटे अब्राम को लेकर बताया था कि शाहरुख ने एक दिन अब्राम को पास बुलाया लेकिन वो शाहरुख के पास नहीं आए। तब एसआरके के मन में कई सवाल उठने लगे थे। शाहरुख खान ने एक बार मीडिया से बातचीत के दौरान बताया था, मैं अब्राम के साथ बैठा हुआ था एक दिन तो मैंने उसे कहा कि मेरे पास बैठो, लेकिन वो वहाँ से चले गया, मेरे पास आकर नहीं बैठा। तो मुझे ऐसे ऐसे ख्याल आने लगे कि मैं एक अच्छा बाप नहीं हूँ, मैंने इसको मोहब्बत नहीं दी, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं फिल्मों को ज़्यादा समय देता हूँ, बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। एक दिन ये खड़ा होगा एक लड़की के साथ और कहेगा कि काट कर कालीन में हीरो के पैबंद नहीं लगाए जाते, मैं छोड़ कर जा रहा हूँ तुम्हें। एक अन्य इंटरव्यू में शाहरुख ने अपने बच्चों को लेकर इंटरेस्टिंग बातें शेयर की थी। डीएनए को दिए इंटरव्यू में शाहरुख ने कहा था कि वो एक प्रोटेक्टिव पिता बिल्कुल नहीं है, वो दिखने में ज़रूर ऐसे लगते होंगे लेकिन ऐसा नहीं है। शाहरुख ने बताया कि मैं एक प्रोटेक्टिव पिता की तरह नज़र ज़रूर आता हूँ लेकिन ऐसा नहीं है, आप उनकी लाइफ को लीड नहीं कर सकते। अब्राहम को लेकर शाहरुख ने कहा था, जब भी मैं कभी टीवी पर मेरी कोई फिल्म आ रही होती है जिसमें मैं फाइट सीन कर रहा होता हूँ तो उस वक्त अब्राहम सोचता है कि वो सब सच है, इसके बाद जब वो उन लोगों से मिलता है तो उन्हें डर्टी लुक देता है। ये उसने काजोल के साथ किया था, जब अब्राहम ने फिल्म दिलवाले वाला सीन देख लिया था तब उसने ऐसा किया था। रईस के दौरान अब्राहम नवाज भाई पर गुस्सा होने लगा था। शाहरुख ने कहा था कि वो एक बहुत ही कूल किस्म के फादर हैं। उन्होंने बताया था कि जब आर्यन और मैं दोनों साथ होते हैं तो बिना शर्ट पहने एक साथ लेटकर वक्त बिताते हैं और कुछ डर्टी जोक्स भी क्रैक करते हैं। वो हमेशा मुझे नई गालियों के बारे में बताने में एक्साइटेड रहता है जो वो सीख कर आता है। मैं दिल्ली से हूँ और वो हिंदी भाषा में गाली देना इस एज से मैं गुजर चुका हूँ। मैं उसे अक्सर कहता हूँ कि इस गाली का दूसरा वर्जन मैं सिखाऊंगा, ये बहुत कूल है।